जड़ से करप्शन को मिटाना चाहते हैं, और वो भी मेन फोकस हमारा रहेगा अंदरूनी पुलिस फोर्सेस। हम चाहते हैं कि पुलिस फोर्स में से हम जितना भी इन हाउस करप्शन है उसको मिटाएं, और ये करने की हमारी तकनीकें रहेंगी। हम बचपन से ही स्कूल सिस्टम में ये इंकल्केट करना चाहते हैं कि बच्चों के दिमाग में करप्शन फ्री एजुकेशन जाए, एवं उनके दिमाग में सिक्योरिटी फोर्सेस, डिफेंस फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस के मन में अच्छी भावना पैदा हो। और वह सिर्फ तभी हो सकता है जब हम ये इंश्योर करें कि पुलिस पूरी तरीके से करप्शन फ्री है, एवं हम उनके तरफ पूरा ट्रस्ट रखते हैं। इससे हमारा भारत एक सुरक्षित भारत बढ़ेगा, एंड हमारे देश का पर्यटन दर भी काफी अच्छा बढ़ेगा। ग्रांट 49 जो है कैबिनेट, कैबिनेट में हम रिजर्वेशन फॉर एससीज एंड एसटीज और बाकी सारे रिजर्व क्लासेस का एक अलग रिजर्वेशन बनाने का प्रस्ताव रखते हैं, और हम ये भी आशा करते हैं कि हम पूरे के पूरे पार्लियामेंट में कुछ अधिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज ला सकें, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन क्षेत्रीय लेवल पर और बढ़ाया जा सके, एवं हम MPs और MLAs को सुझाव देंगे एवं प्रस्ताव रखेंगे कि पंचायत या महापंचायत के संघ में मिलकर ग्राउंड लेवल पे काम करें। ग्रांट 50 पुलिस, जैसे कि मैंने कहा, हम पुलिस में से करप्शन हटाना चाहेंगे, एवं हम ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स को रिवॉर्ड्स देंगे ताकि और लोगों का उसमें उस उत्साह बढ़े, और हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पुलिस फोर्स हो, एवं विद्यार्थी भी पुलिस फोर्स में जाना चाहें। इससे हमारे पुलिस फोर्सेस पर भारतीयों का ट्रस्ट लेवल बढ़ेगा, जिससे उनको ये सुरक्षित महसूस होगा। ग्रांट 51 जो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, हम उनके इंडिजिनियस पीपल इस समय में कोलैबोरेट करके उनके सी प्रोडक्ट्स की वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेंगे, उनको निर्यात करेंगे, ताकि हम उससे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से भी हम वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकें, एवं हम ये भी कोशिश करेंगे कि हम सिर्फ इंडिजिनियस पीपल से ले नहीं रहे हैं, एवं उनको डेवलपमेंट करने में सहायता करने से उनको संगत दे भी रहे हैं। ग्रांट 52 चंडीगढ़, चंडीगढ़ ऑलरेडी एक हब है, वहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट्स भी हैं, और फिर भी वहाँ टूरिज्म का दर कम रहता है क्योंकि वहाँ पे इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं है। तो हम चंडीगढ़ में ट्रैवल सुविधाएं को बढ़ाना चाहेंगे ताकि उनका पर्यटन दर बढ़े और उसका विकास हो सके। नाउ दिस ब्यूटीफुल इमेज इज ऑफ दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, तो वहां पे बहुत ही सुंदर फ्लोरा एंड फौना है। हम के टूरिस्ट सेक्टर को रिवैम्प करेंगे, एवं ये आशा करेंगे कि हम इसको मार्केटिंग करें इसकी, एंड बाय द पावर ऑफ मार्केटिंग हम यहाँ के टूरिज्म बढ़ाने की आशा करते हैं। ग्रांट 50 दिस इज लद्दाख, लद्दाख की ब्यूटी आह क्या कहा जाए, पर वहां पे लोग जाने से डरते हैं क्योंकि वहां पे सेफ्टी कंसर्न्स हैं। हम वहां की सेफ्टी और कड़ी करेंगे, और इसके लिए हमने बजट में भी थोड़ा सा हमने उसको बढ़ोतरी करी है, ताकि इसकी लाइवलीनेस और सिटी की लाइवलीनेस काफी बढ़ाई जा सके। ग्रांट 55 लक्षद्वीप, लक्षद्वीप हमारे देश का इकलौता कोरल आइलैंड्स है, वहां पे भी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की तरह बहुत अच्छे सी प्रोडक्ट्स मिलते हैं। हम इन्हें कॉन्टिनेंटल शहरों के अंदर ले जा सकते हैं, और उसके बदले में इंडिजिनियस पीपल की सोसाइटी डेवलप करने में उनकी मदद करेंगे। ग्रांट 56, 57, 58 हम इन तीनों को एक साथ करने का सुझाव देते हैं, यह ट्रांसफर टू पुडुचेरी, दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर। हम इन सबको एक साथ करना चाहते हैं, उनको इंडिविजुअल बजट ना देके बल्क बजट देना चाहते हैं, जैसे कि तीन ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, जो हमारे भारत में काम करते हैं और एक दूसरे पे चेक भी रखते हैं। हम ऐसे ही इसमें भी जाना चाहते हैं, ताकि ये तीनों एक दूसरे के ऊपर चेक रख सके और सबको उतने बजट मिले जितना उनकी जरूरत है, और अगर हम ज्यादा या कम होते हैं देन वी कैन ऑलवेज गिव द रिवाइज्ड बजट। Grant 64, which is Ministry of Law and Justice.
हम जजेस की सैलरी और जितने भी वहां पे कर्मचारी है कोर्ट में, हम उनकी सैलरी बढ़ाने का प्रस्ताव देते हैं ताकि ज्यूरिसडिक्शन को बढ़ाया जा सके और लोगों की लॉ में रुचि बढ़े। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट सानवी, होम मिनिस्टर, टू अनाउंस द बजट। थैंक यू। तो चलिए, जैसे हमने अभी पॉलिसीज और स्कीम्स को देखा, अब हम जानते हैं इस साल के बजट को। तो सबसे पहले ग्रांट नंबर 48, यानी गृह मंत्रालय। हम प्रस्ताव रखना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं भारत को एक सुरक्षित देश बनाने के लिए प्रपोज रिवाइज एस्टिमेट 7,447 रखना चाहते हैं और बजट फॉर नेक्स्ट ईयर 15,491। नेक्स्ट ग्रांट नंबर 49 जो है कैबिनेट। हम कैबिनेट में सुधार का प्रस्ताव रखना चाहते हैं और आकर्षित वर्गों के अनुपात में वृद्धि करना चाहते हैं ताकि उनके राजनीतिक के करियर में थोड़े प्रोत्साहित हो लोग। इसीलिए हमने इसका प्राइस एस्टिमेट 923 करोड़ रखा और बजट एस्टिमेट 719 करोड़ रखा। आगे बढ़ते हैं ग्रांट नंबर 50 पुलिस पर। पुलिस, हाँ, एक सुरक्षित भारत को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस कर्मचारी बहुत जरूरी है। जैसे कि हमारे डेप्यूटी मिनिस्टर ने कहा है कि उन्हें पुरस्कार देना तो बनता ही है क्योंकि ये बहुत मेहनत करते हैं। इसीलिए प्रपोज रिवाइज एस्टिमेट 114026 करोड़ और बजट एस्टिमेट हमारा 150009 करोड़ होगा। इसका कैपिटल 98,602 करोड़ और बजट एस्टिमेट 118323 करोड़। अब जाते हैं हम अंडमान और निकोबार आइलैंड। जैसा कि हम जानते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अपने आप ही बहुत उपयोगी और साधन संपन्न है, इसीलिए स्वदेशी पर्यटक स्थलों को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल को भी उन्हें बुलाना चाहते हैं यहाँ, इसीलिए उसे और थोड़ा आकर्षित करने के लिए रिवाइज एस्टिमेट रेवेन्यू 5,136 करोड़ और बजट एस्टिमेट 5,886 करोड़, जहाँ की कैपिटल 3,789 करोड़ और 4,992 करोड़ हम कैपिटल का नेक्स्ट ईयर का रखते हैं। चलते हैं हम चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ भारत में एक महान केंद्र है, यहाँ कई खूबसूरत झीलें और पर्यटक स्थल है, तो इसका हम रेवेन्यू रखते हैं 5,248 प्रपोज रिवाइज एस्टिमेट करोड़ एंड बजट एस्टिमेट 7,094 करोड़ एंड हम लोग इसका कैपिटल 5,219 करोड़ और इसका 6,200 करोड़ रखते हैं। बाकी आप लोग जैसे ही स्क्रीन पर देख सकते हैं, लेकिन ध्यान से गौर कीजिए इस ट्रांसफर्स ऑफ दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी पर। हमने इसमें जैसे बताया गया है, हम इसे एक करना चाहते हैं जिससे कि तीनों के तीनों एक दूसरे पर नजर रखे कि किसी को कुछ ज्यादा रेवेन्यू या कम रेवेन्यू या उनके साथ कुछ गलत चीजें नहीं या करप्शन नहीं हो रहा, तो इसे हम देख सकते हैं। आखिर में लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री को हम देखते हैं, तो इसमें हमारा रेवेन्यू आता है 2,501 करोड़ रिवाइज एस्टिमेट और बजट एस्टिमेट 4,922 करोड़। तो यहाँ पे हमारे खत्म होती है बजट की।